अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज हम आपको 47 अप एमान बाबा एक्सप्रेस का फास्ट पास तो दिखाएंगे। आज ट्रेन काफ़ी लेट है, 4 घंटे। और एक मैसेज भी देना था कि क्योंकि पंजाब में काफ़ी स्मोक चल रही है और ये बच्चे जो हैं ये देखें ट्रैक के साथ क्रिकेट खेल रहे होते हैं और पोजीशन बना के बिल्कुल ट्रैक में, और ट्रेन का बिल्कुल पता नहीं चलता क्योंकि ट्रेन की लाइट विजिबल नहीं होती स्मोक में, और ख़ास तौर पर जब ये फोग होती है, धुंध छाई होती है। तो ट्रेन बहुत करीब है और आपको दिखाते हैं इसका पास पास थ्रू, और ये बच्चे देखें बिल्कुल रेलवे ट्रैक के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं और ट्रेन की आमद का बिल्कुल पता नहीं चल रहा। लेकिन ट्रेन काफ़ी तेज़ी से आती है और लाइट विजिबल नहीं होती स्मोग में ख़ास तौर पर। तो मेरा सब वालदेन से ये पैगाम है, कर्ली बच्चों को ट्रैक से दूर रखा करें। और ये मौसम जो है ये बड़ा ख़तरनाक होता है, इसमें एकदम ट्रेन आ जाती है और स्पीड करीब से आगे पता चलती है। तो ये सिर्फ एक पब्लिक सर्विस मैसेज था जो मैंने कहा दे दूँ आपको। और ये देखिए बाइक वाला भी है, इसको भी दूर से मैंने इशारा किया, भाई रुक जा। बिल्कुल सामने फाटक है जहाँ से लाइट विजिबल हो रही है, और ये फाटक तक नहीं जाएंगे और देखें यहाँ से क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। अब इशारा किया दूर से तो ये साहब रुक गए, और देखें ट्रेन कितनी स्पीड में आ रही है, देखिए फास्ट फास्ट। तो थैंक यू वेरी मच। लाइटें ऑन करें, लाइटें ऑन करें, अब देखें लाइट ऑन कर रहे हैं वो, देखें ज़रा चेक करें, लाइट ऑफ की हुई थी उन्होंने। ये गाइस 85 की स्पीड पर ट्रेन गुजरी है और लोगों को एकदम विजिबल हुई है ट्रेन, और ज़रूरी नहीं है कि ट्रेन वाला एहतियात करे, लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए। ये पब्लिक सर्विस मैसेज सब पेरेंट्स के लिए और सब लोगों के लिए, काइंडली स्मोगी और फोग वेदर में केयरफुल रहें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।